गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 3 इन हिंदी लिटरेचर बुक मीठा झगड़ा। अकड़ की बोली गोल जलेबी, मुस्सा कौन रसीला, मुझको चाहे सारी दुनिया, गांव शहर कबीला। जो जलेबी है वो गोल होती है, सबको पता है। वो अकड़ कर मतलब घमंड से बोलती है कि मुझसे रसीला मतलब रस वाला कौन है। मुझको चाहे सारी दुनिया कि मुझको सारी दुनिया चाहती है, गांव चाहता है, शहर चाहता है, कबीला मतलब छोटा जो एरिया होता है, मतलब हर लोग मुझे चाहते हैं, चाहे वो दुनिया के हो, दुनिया हो, गांव हो, शहर हो या कबीला हो। रबड़ी बोली चुप हो जाओ, मुझको क्या बतलाती, मुझको पाकर सारी दुनिया बर्तन चट कर जाती। अब रबड़ी बोलती है कि चुप हो जाओ, मुझको क्या बताती हो, मुझको पाकर सारी दुनिया, जब दुनिया मुझे पा लेती है, रबड़ी को पा लेती है, तो बर्तन चट कर जाती है। रसगुल्ले ने देखा सबको, हल्की सी मुस्कान भरी, मुझको चाहते राजा रानी, बच्चे बूढ़े और परी। रसगुल्ला कहता है, रसगुल्ले ने सबको देखकर हल्की सी मतलब थोड़ी सी मुस्कान स्माइल की कि मुझको राजा रानी चाहते, बच्चे चाहते, बूढ़े चाहते और परी चाहती हैं। दूध बीच में आकर बोला, मत करो अब बड़ाई, मत अब करो बड़ाई, मेरे ही कारण तुम सबने अपनी शान बढ़ाई। तभी दूध बीच में आकर बोलता है कि अपनी अपनी बड़ाई, अपनी अपनी तारीफ मत करो, मेरे ही कारण तुम सबने अपनी शान बढ़ाई कि मेरी वजह से तुम सबने अपनी शान बढ़ाई है। मेरे घी में तली जलेबी, मुझसे बनती रबड़ी, मुझसे बने छेना रसगुल्ला, क्यों डींग हाँकता तगड़ी। दूध बोलता है कि मेरे मुझसे बने हुए घी में ही जलेबी तली जाती है और मुझसे ही रबड़ी बनती है, मुझसे ही छेना बनता है और छेना छेने का रसगुल्ला बनता है। क्यों डींग हाँकता तगड़ी मतलब क्यों बड़ी बड़ी हाँकते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं हूँ पिता तुम्हारा, सब मुझको करो प्रणाम, मिलकर रहना भाई बहनों, जाओ अब करो आराम। दूध कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्यों, क्योंकि दूध से ही सब मिठाइयाँ बनती हैं। सब मुझको करो प्रणाम, मुझको सब क्या करो, नमस्कार करो, मिलकर रहना भाई बहनों, तुम सब लड़ाई मत करना, मिलकर रहना और अब जाकर आराम करो। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना चैप्टर 3 था, तो आप इसकी घर पर रीडिंग कीजिए और शब्दार्थ आपको करना ही है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।